हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बैक माय चैनल महेश ऑफिशियल व्लॉग। सो आज हमने रेड का कुछ आइटम बनाया है नया, मतलब जो कि रेड का मुकुट है, मतलब मॉडर्न नेम उसका मुकुट है। तो देखते हैं अगला पूरा वीडियो, उसके बारे में पूरा जानेंगे कैसे क्या कलर हुआ, कैसे स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ, कैसे हैंड प्रिंटिंग हुआ, कैसे उसका धोती का प्रोटेक्ट किया हमने, कैसे उसका लेकर किया और लास्ट में कैसे उसको गोल्डन करके हमने पैक किया। तो चलो देखते हैं आगे वीडियो। चलो दोस्तों, अब ये काम चालू करते हैं और उस काम में अभी लगने वाले जो जो सामग्री है वो आपको दिखाता हूँ। मतलब स्टार्टिंग से अभी इसका धोती का टेप लगाया जाएगा, कुछ ऐसा है। सो यदि के अभी ऊपर ले लिया है, ये वाला टेप लगेगा नीचे, ये उसके ऊपर लगेगा जो कि खांचे में जो कलर ना आए धोती पे ऊपर, जो रेड कलर आप मारेंगे ना ऊपर, तो वो कलर ना आए इसलिए। तो देखिए आप पूरा वीडियो, आपको समझ जाओगे आप खुद। और आसान है बनाने का, कुछ इतना ये नहीं है कठिन। सो चलो चालू करते हैं टेप लगाना। ये जो गाइस टेप लगा के ले लिया मैंने अभी। इतना टेप लगाना है आपको क्योंकि जो मतलब नीचे कलर लगने वाला है वो धोती के ऊपर ना लगे, क्योंकि अपनी धोती येलो है और रेड वाला कलर येलो से मैच नहीं करता, मिक्स हो जाता है, इसलिए अपन को ये करना पड़ रहा है। तो देखिए आप आगे आगे। अभी दोस्तों जो ट्यूब लगाने के बाद जो अपना काम मेन है वो हो रहा है। देखिए रेड कलर मारना चालू है, रेड कलर मारेंगे ना सो बाद में टेप निकाल के उसके ऊपर धोती आपन को मारना है, वो भी काम करना है। तो देखते हैं आगे कैसा बनता है। और जो स्प्रे पेंटिंग है वो एक ही लाइन में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर थोड़ा मारा उधर थोड़ा मारा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सो उससे धब्बा धब्बा आ सकता है कलर का, तो इसलिए हम एकदम फिनिशिंग में मार रहे हैं। देखिए एक पार्ट ले लिया ना कान, कान समझो पूरा है कर रहे, एक बार मुंह ले लिया ना सूंड, समझो सूंड ले लिया, सूंड का हिस्सा भी पूरा है कर रहे हैं अपन। सो एकदम इजी स्टेप है। देखिए आप बताइए कैसा लगा वीडियो, कमेंट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। और दोस्तों इसका आगे का जो काम रहेगा, धोती मारने के बाद धोती का शेडिंग और मूर्ति का शेडिंग, ये दो काम होने के बाद मेन मेन काम चलते हैं आखनी वाला, जैसे और जैसे आखनी का, आखनी का इसमें मैं दोस्तों मैंने आखनी का भी पूरा प्रोसेस बताया है, आखनी कैसे करते हैं इसका। सो वो भी देखिए आप, आखनी वाला कैसा है, हमारे आखनी कैसे बनाते हैं, मतलब मैंने वो दिखाया नहीं है, पर स्टेप बाय स्टेप आपको उसका प्रोसेस दिखाया है। सो देखते आगे चलो। ओके, और ये पेंटर साहब ने मार दिया है। हाँ दोस्तों, तो अभी आप समझ जाओगे ये टेप क्यों लगाया था। तो देखिए टेप क्यों लगाया था, आप ही जान जाओगे। जो अपना येलो कलर है सबसे मेन येलो कलर, वो रेड के ऊपर चढ़ता नहीं है गाइस, चढ़ता भी है तो वो थोड़ा कलर उसका चेंज हो जाता है, तो इसलिए अपन को धोती के ऊपर ये टेप लगाना पड़ा। सो आप देखिए कैसा है क्या है, एकदम सफेद आ जाएगा अभी टेप निकालने के बाद। सो अपन उधर धोती मार सकते हैं, ऐसा है। अगर दो कलर मिक्स हो जाएंगे तो क्या होएगा, अलग कलर बनेगा, इसलिए आपने को येलो ही कलर चाहिए, इसलिए हमने टेप लगाया है। सो देखिए एकदम फिनिशिंग आ गया है टेप लगाने के बाद, दिखा। और दोस्तों खांचे खांचे में भी देखिए एकदम बराबर से टेप लगाया गया था, इसलिए उधर कलर उड़ा नहीं है। सो अभी उसका काम एकदम मस्त हो सकता है, ऐसा है। जितना आप थोड़ा मेहनत लोगे ना एक पीस के ऊपर, सो आपको उसके पीछे फायदा ही फायदा होने वाला है, ना कि ये होने वाला है लॉस। सो आप देखिए अभी धोती मारना काम चालू है, धोती जो है अपनी हैंड पेंटिंग हो रही है, देखिए एकदम लाइनिंग में फिनिशिंग। ये कलर की वजह जो डाला अपने डाइस कलर, उसकी वजह धब्बा धब्बा आ रहा। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ धोती भी कैसे मारते हैं कारीगर लोग, आप समझ जाओगे क्या होता है ना।
समझो एक सिखा हुआ होता है, समझो जो ट्रेनर है वो सिखा के अगले वाले सिखाता है, तब ये सब जाके कारीगर बनता है। पर सब जगह सेम कारीगर नहीं रहते। आपने जो मैन्युफैक्चर किया है कारीगर के ऊपर, उसके ऊपर जो खर्चा किया है वही वो काम कर सकता है। सो आप ये देखिए इधर हमारे एक जैसे सब कारीगर है, काम अच्छे से कर पाते हैं एकदम मस्त। तो देखिए दोस्तों दुत्ती मार के हो चुका है अभी, और आज शनिवार है जो कि मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ उसका। कभी कभी दोस्तों इसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि ऊपर जो काम चलता है तो उसमें फुस फुस वाला आवाज आता है ना, उसमें ज़्यादा समझ में नहीं, मतलब बोलने के बाद ना आपको आवाज़ नहीं आ सकता, इसलिए मैंने बाद में वॉइस ओवर किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा वोट करिए। कुछ कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है वीडियो कहाँ से उठाता होगा फिर इसको एडिट करता होगा। और ये दोस्तों आपके जानने के लिए बता दो, ये धोती शेडिंग का चालू है। देखिए कितना फिनिशिंग में धोती शेडिंग मार रहे, आड़े टेढ़ा लाइन नहीं मार रहे। देखिए एकदम जैसा पीस पे होता है, रेगुलरली चलता है हमारे यहाँ पे, वैसा ही मार रहे। देखिए नहीं मतलब अपन बैठते हैं ना कपड़ा पहन के, फोल्ड होता है कहीं, आपको तो याद ही होगा, मतलब आपने देखा होगा घुटने के बाद फोल्ड होता है, पीछे भी फोल्ड होता है, तो उधर जिस लाइनिंग आपने काला लाइनिंग पड़ता है वैसे इधर लाइनिंग डाल रहे। समझो कोई कोई मूर्ति कंपनी का देखने रहा वीडियो होगा ना, तो उसके लिए समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा। तो देखिए आप इजी है, और जो ज्वेलरी है अपन समझो गले में चेन पहनते तो उसके बाजू में हल्का हल्का काला लाइन पड़ता है ना, तो वो भी शेडिंग मार रहे। देखिए अभी बॉडी शेडिंग चालू हो रही है, इसे बॉडी शेडिंग बोलते हैं दोस्तों। देखिए कान वगैरह वगैरह, देखिए जहाँ भी मतलब फोल्ड वाला एरिया है अपना हिस्सा, हाथ रहे, हाथ का जो बीच का ये भी रहे, घुटना रहे, पैर का घुटना रहे, सब उंगलियाँ रहे, कुछ भी ऐसा छोटा नहीं उसमें जो कि शेडिंग नहीं वाला, बॉडी शेडिंग इससे दोस्तों बॉडी शेडिंग कहते हैं। इससे एक रूप मिलता है गणपति को ऐसा है। देखिए हाथ पे देखिए लगे कि ओरिजिनल हाथ है ऐसा। तो दोस्तों अभी देखिए पूरा फाइनल हो चुका है आंखनी वगैरह बनने के लिए, ज्वेलरी लेकर सब गोल्डन मारने के लिए अभी रेडी हो चुका है। अभी इसका आंखनी बना जाएगा दोस्तों, आंखनी बनाने के बाद फिर हल्का चेक करने के बाद लेकर मारेंगे। सो अभी देखिए कैसा बना है एकदम धोती वगैरह बॉडी, आंखनी देखिए, आंखनी की ऊपर शेडिंग देखिए। अभी इधर दांत वगैरह कलर मारना है, दांत मतलब सफेद करेंगे ना ऐसा है, इसलिए उसको कलर विलर मारना बाकी है। कान पीछे बॉडी शेडिंग का लाइनिंग आएगा ये है, तो रेडी है दोस्तों। देखिए फिर से एक बार नए व्यूअर्स के लिए बता दूं जानकारी के लिए, जो पीस होता है उसमें अभी सफेद कलर भर लेंगे आँख में, अपने कलर में कैसा एकदम सफेद बुबरा रहता है, जो सफेद सफेद आँख रहते हैं वो सफेद भर लेंगे। फिर बाद में ब्राउन वाटी लगाएंगे, जो अपना काला रहता है ना अंदर अपने आँख में काला टिपका वैसा ब्राउन मार देंगे। फिर बाद में उसका आउट शेडिंग मार देंगे, जो कि देखिए ब्राउन की साइड पे नीचे है ना, जो समझो अपन बन चालू करके ना क्या एकदम काजल लगा दे वैसे लगा देंगे थोड़ा हल्का हल्का। देखिए फिर बाद में
और दोस्तों अभी देखिए बॉर्डर मतलब अपना आईब्रो आईब्रो आ चुका है अभी। देखिए दोस्तों आईब्रो आने के बाद कैसा लग रहा है एकदम फिनिशिंग। सो ऐसा कुछ टेप है हमारे आँख नहीं बनने का, बाकी डिजाइन तो आपके यहाँ बनता ही है रेगुलर रिवर्स टेप डिजाइन बाकी है। अभी डिजाइन वगैरह तो रेगुलर रहता है वो त्रिशूल। देखिए फाइनल होने के बाद एकदम रेड सब एकदम फिनिशिंग में आ रहा है दोस्तों। देखिए और ये जो है गाइज ये जो है ना अपना डिजाइन डिजाइन में आप कौन सा कलर करते हैं उस पर भी डिपेंड रहता है। अभी हमने रेड के ऊपर येलो यूज किया है क्योंकि दिखने में भी अच्छा लग रहा था और उस पर सूट हो रहा है, उस कलर के अंदर छुप भी नहीं रहा था। सो देखिए हमारे इतना कुछ स्टॉक रेडी हो चुका है दोस्तों, फाइनल काम हो चुका है। अभी देखिए अभी लेकर बांधना चालू हो चुका है जो कि अपना फिनिश वाला 95% काम रेडी है और जो रहेगा 5% गोल्डन वाला वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूँ दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ पे गोल्डन कैसे बनता है और गोल्डन का जो कलर मारने का तरीका है वो कैसे है आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो आप देखिए लेकर कैसे मार रहे फिनिशिंग में, आपको 2-3 इंट्रो में वीडियो दिखा देता हूँ सो आप समझ जाओगे हमारे यहाँ पे गोल्डन कैसे मारते हैं सॉरी लेकर कैसे मारते हैं। सो दोस्तों चैनल किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा सब्सक्राइब करिए ऐसे इंटरेस्टिंग नए नए वीडियो देखने के लिए। और मैं दोस्तों लाइक करिए शेयर करिए ऐसे वीडियो को। दोस्तों अभी लेकर मारने के बाद इसको 4-5 घंटा सुखाया जाएगा, सूखने के बाद इसको दोस्तों गोल्डन के काम के लिए चढ़ाया जाएगा ऊपर। तो देखिए एक बार फिर से लेकर कैसे मार रहे एकदम जूम करके दिखा रहा हूँ, जो हमारा एग्जस्ट है वो भी उधर चालू है क्योंकि ये धुएं से किसी को तकलीफ ना हो इसीलिए। बाकी मारने का तरीका देखिए एकदम हाँ दोस्तों अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हम सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए क्योंकि हम ऐसे नए नए वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आपका एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है।